आज खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में सर्जिकल डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन हैं प्रोफेसर मामुनीर साहिबा। उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में एक इवेंट मुकर्रर किया था आज, जिसमें हम सब ने शिरकत की। इसका मकसद ये है पब्लिक में अवेयरनेस डालना कि ब्रेस्ट कैंसर जनरल पॉपुलेशन में, खासकर फीमेल पॉपुलेशन में बहुत आम बीमारी है। कैंसर्स में ये नंबर वन किलर है, और अगर इसकी डिटेक्शन और डायग्नोसिस टाइम पे ना हो तो इसके अलामत तबाकुन हो सकते हैं। दुनिया भर में अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ कहलाया जाता है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आगाही के मुहिम चलाए जाते हैं। इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी खैबर टीचिंग हॉस्पिटल अक्टूबर के महीने में एक प्लेज करता है, जिसमें हम अपने सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ कदम ले लेते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह इस अक्टूबर में हमारे प्लेजेस हैं जो हम आगे बढ़ाएंगे, और साथ साथ हम आगाही मुहिम एक महीने भर के लिए चलाएंगे, और ये मुहिम हम डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, कम्युनिटी मेडिसिन और पैथोलॉजी के साथ मिल के आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अवेयरनेस, दूसरा सेल्फ एग्जामिनेशन। यहाँ आके ख्वातीन आ सकती हैं, हम उनको मुफ्त में सेल्फ एग्जामिनेशन लेसन्स देते हैं, स्क्रीनिंग मुफ्त करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए, अल्ट्रासाउंड मुफ्त होता है, और उसके बाद उनको मज़ीद एडवाइस देते हैं कि कौन सी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लें। ये सहूलियात जो हैं खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में मुकम्मल तौर पर मुफ्त हैं। तो प्लीज़ मेरी अपील आवाम से ये होगी कि आप इससे फ़ायदा लें। अब रिस्क एज ग्रुप कौन सा है? वो ख्वातीन 40 से लेकर 60 साल की उम्र में, इनमें ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। ख्वातीन में पाए जाने वाले जितने भी कैंसर्स हैं, छाती का कैंसर उनमें से सबसे ज़्यादा एक आम कैंसर है। इसकी शरह बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो बात जो सबको मालूम होनी चाहिए वो ये है कि शरह ज़्यादा होने के बावजूद अगर ये कैंसर बर वक्त तशखीस हो जाए तो ये काबिल इलाज है। ख्वातीन जिनको ये मसला होता है वो बहुत सारी वजूहात की वजह से अस्पताल नहीं आ पाती, या आती भी हैं तो अपना वो मसला नहीं बताती जिसके बारे में वो खुद बहुत परेशान होती हैं। वो जानती हैं कि गिनती है लेकिन वो बोल नहीं पाती। ये वो एक बैरियर है जो हमें तोड़ना है, हमें इसके बारे में बोलना है। जब हम कहते हैं कि ख्वातीन बर वक्त के इलाज के लिए आएँ, तो ख्वातीन से ज़्यादा हमारे मुआशरे में ये जिम्मेवारी मर्द हजरात की भी बनती है कि वो अपनी ख्वातीन को इतना कॉन्फिडेंस दें, और कभी ऐसा कोई मसला पेश आए तो उनको खुद बर वक्त अस्पताल लेकर आएँ।